रेंज का स्टार्ट है, जैसा साड़ी उड़ी सूती में है, फैंसी है, कढ़ाई है, सब चीज है, सब चीज। गेहूँ नहीं कटा है इसके लिए बाजार बहुत खराब है। अच्छा, पूर्णिया का खुशकी बाग बाजार जो है कपड़ों के मार्केट में एक हब कहा जाता है, तो वहीं आप पर एक नहीं बल्कि यहां पर सैकड़ों दुकानें आपको मिलेगी और कई तरह के कपड़े की दुकान है यहां पर, जिसमें आपको महिलाएं पुरुष बच्चे सभी के आपको कपड़े मिलेंगे। फिलहाल यहां पर जितने भी दुकानदार हैं आप देख सकते हैं कि सभी दुकानों पर ग्राहक बैठे हुए हैं और रमजान का पावन महीना चल रहा है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं, कोई अपने लिए कर रहे हैं तो कोई अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, कोई कई रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं। इसी क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे दुकानों पर जो ग्राहक हैं और दुकानदार हैं कि क्या तैयारी है इस पर्व को लेकर, क्या तरह से कलेक्शन आ रहा है और ग्राहक पहुँच रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? अच्छा, क्या लग रहा है अभी रमजान का महीना है, क्या कलेक्शन आ रहा है? आ जाइए, ग्राहक आ रहे हैं आपके यहाँ खरीदारी करने के लिए। अच्छा, पूर्णिया का ये कपड़ा का हब है, कहने का मतलब सबसे ज्यादा कपड़े की दुकान है यहाँ पर। यहाँ पर सस्ते और महंगे हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, हर तरह के सबों के लिए कपड़े मिलते हैं। कहाँ आई हैं आप लोग खरीदारी करने? कलेक्शन वगैरह मिल रहा है अभी इस बाजारों में आपको? नहीं मिल रहा है उतना। कैसा लग रहा है अभी रमजान का महीना, ग्राहक वगैरह आ रहे हैं? हाँ, नहीं, लेकिन जिस तरह आगे चल के भीड़ रहता था उस तरह तो नहीं है। अच्छा, अभी 16 या 15 रोजा हो गए हैं, उस तरह का मार्केट इस बार है नहीं। उस तरह का मार्केट हर एक साल रहता था, अभी उस तरह का मार्केट है, मार्केट अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोग कलेक्शन वगैरह क्या? कलेक्शन वगैरह पूरा है, कलेक्शन पूरा है। अच्छा, यहाँ पर सस्ता और महंगा सब तरह दोनों सब तरह का आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सस्ता महंगा सब तरह का आइटम है। अच्छा अच्छा, बच्चा महिला पुरुष ऑल आइटम है, ऑल आइटम। अच्छा, कपड़े का यहाँ कितना दुकान होगा लगभग? लगभग यहाँ कपड़ा का 200 से 250। 200 से 250 दुकान। कौन सा जगह है ये? खुशकी बाग हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी कुमार है। क्या एड्रेस है? अप्सरा एड्रेस है। आपका क्या नाम हुआ? चंद्र शर्मा। कपड़े की यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, तो रमजान को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? ग्राहक आ रहे हैं? बहुत कम है आजकल से, दोनों से देखे थोड़ा सा चल रहा है, तो कुछ नहीं बिक्री, कुछ नहीं। कलेक्शन आप लोग पूरा लेके आए हुए हैं? कलेक्शन वैरायटी तो सब दुकानदार लगाया है, सब लगाया है। हाँ, वैरायटी पूरा लगाया, लेकिन बिक्री नहीं है। अच्छा, हर बार की तरह इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, कुछ बिक्री होगा क्या? अभी तक कोई लोग कह रहा है कि फसल जो है मकई का नहीं हुआ है, इसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदारी बहुत कमजोर है। अच्छा, इस बाजार में जो है महिला पुरुष सबका कपड़ा मिल जाता है? हाँ, सब है। अच्छा, सस्ता और महंगा सभी तरह से दाम मिलता है। क्या नाम हुआ तुझे? क्या लग रहा है रमजान को लेकर खरीदार आ रहा है? मजा नहीं है, कलेक्शन मकई गेहूँ नहीं कटा है, इसके लिए बाजार बहुत खराब। अच्छा, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं, जबकि यहाँ पर हर तरह के आदमी के पास पैसा ही नहीं है, यहाँ पर तो पैसा ही नहीं है, मेन मुद्दा इसमें आई है ना, पैसा ही नहीं है। जबकि यहाँ पर हर तरह कपड़े मिल जाते हैं, सस्ते और महंगे भी सब मिल जाते हैं। क्या नाम हुआ? अभिजीत पाल। विनय। क्या लग रहा है रमजान को लेकर, ग्राहक आपके पास पहुँच रहे हैं? पहुँच रहे हैं, अभी हल्का फल्का है, उतना अभी जैसा उमंग जो है इस बार नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, माहौल थोड़ा हल्का है। आप पूर्णिया के खुशकी बाग बाजार में आए और यहाँ पर आपको एक नहीं सैकड़ों दुकानें मिलेगी, जहाँ पर आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी दुकान मिलेगी। अगर आपको खरीदना हो तो एक बार जरूर खुशकी बाग इस बाजार में आए और कपड़े की खरीदारी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 18 डिजिटल पूर्णिया से विक्रम झा।